हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर बताने जा रहा हूँ, जो कि रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके रेलवे और में आ सकते हैं। जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं, सब मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, जिनकी आने की संभावनाएं हैं अभी हाल ही में जो रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल, वो कब हुआ था? मतलब जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था? तो फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था 1930 में। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था आपका 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ है। अगला देखते हैं, जो मतलब खेड़ा सत्याग्रह था, जो खेड़ा सत्याग्रह था तो वो कब किया गया था? असहयोग आंदोलन के फर्स्ट असहयोग आंदोलन में खेड़ा सत्याग्रह जो था वो कब किया गया था? तो खेड़ा सत्याग्रह किया गया था आपका 1918 में, और ये किया गया था गुजरात के अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से किया गया था। तो ये आपको याद रखना, प्लेस भी कि गुजरात के अहमदाबाद से, और अगर सन की बात करें तो 1918 में। तो पहला खेड़ा सत्याग्रह किया गया था 1918 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसको तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने, और जो रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस वो विवेकानंद जी के गुरु थे, विवेकानंद जी के गुरु थे, तो उन गुरु के नाम पे ही इन्होंने अपना मिशन स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, तो विवेकानंद जी के, या फिर विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस। और अगर बात करें रामकृष्ण परमहंस मिशन ये किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हु अपॉइंटेड अ पुलिस कमीशन, जो पुलिस कमीशन था 1902 में, एंड्रू फ्रेजर के अंडर में जो पुलिस कमीशन 1902 का था उसको किसने अपॉइंट किया था? तो उसको जो अपॉइंट किया था वो किया था आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन करीब 1907 तक रहा है, तो इस कारण से लॉर्ड कर्जन इस समय था। तो लॉर्ड कर्जन था जिसने अपॉइंट किया था एंड्रू फ्रेजर के अंडर में पुलिस कमीशन 1902 में। अगला देखते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही करना है ये, क्योंकि गवर्नर जनरल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से मैंने कई क्वेश्चन छाटे हैं जो कि मोस्ट आईएमपी है। तो ये आपको याद रखना है, इसका क्या हो जाएगा, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कब हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला, जैसा कि मैं बता चुका हूं, 1930 में हुआ था पहला, और फिर सेकेंड जो हुआ था 1931 में हुआ था, 1931 में। तीन हुए थे, देखिए तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट हुआ था आपका 30 में, मतलब 1930 में, सेकेंड हुआ था 1931 में, और थर्ड हुआ था 1932 में। तो ये आपको पूरे तीनों याद रखना है। और ये सेकेंड वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था इसमें बस तीनों में से एक ही जो सेकेंड था इसमें गांधी जी ने भाग लिया था, मतलब गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। और बात करें अंबेडकर साहब की, बी.आर. अंबेडकर, तो बी.आर. अंबेडकर जी ने क्या किया था, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे बी.आर. अंबेडकर। तो ये आपको याद रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल थे, बी.आर. अंबेडकर। तो ये सेकंड वाला हो गया 1931 में,
उसके बाद देखते हैं द ईयर 1942 इज रिलेटेड टू, मतलब 1942 में, मतलब कौन 1942 का ईयर इनमें से किस चीज से रिलेटेड है। तो सबको पता है जैसा कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था आपका 1942 में, बहुत ही आईएमपी है भारत छोड़ो आंदोलन, आपको याद रखना है। वैसे मैं एक आंदोलन का वीडियो डालने वाला हूं पूरे गांधी जी के ऊपर, जितने भी आंदोलन कहां से कैसे चले वो हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड राउंड टेबल, जैसा कि मैं बता चुका हूं तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था 1932 में, ये और 1931 में कौन सा हुआ था फर्स्ट, तो आपको याद रखना है 1932 वाला, 1932 का क्या है आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें भी गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ये आपको याद रखना है, ओनली सेकेंड में गांधी जी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इंडियन नेशनल यूनियन, जो नेशनल यूनियन था वो एओ ह्यूम के द्वारा जो वो किया गया था, क्या फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, तो कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1884 में। अब यहाँ पे सब लोगों को कंफ्यूजन होती होगी कि 1885 में तो कांग्रेस बना था, हाँ ये सही है कि 1885 में कांग्रेस बना था, लेकिन जो इंडियन नेशनल यूनियन था INU, ये बनाया गया था इनके द्वारा 1884 में, देन इसके बाद कांग्रेस का बनाया गया था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। तो ये दोनों अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूजन ना हो कि नहीं यहाँ पे 85 आएगा, नहीं 1884 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है इंडियन नेशनल यूनियन, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी। तो 1884 में किया गया था नेशनल इंडियन नेशनल यूनियन, तो ये आपको याद रखना है, और 1885 में बनाया गया था कांग्रेस, तो ये दोनों आपको याद रखने, दो क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं, तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, जो स्लोगन है ये, किसने ये स्लोगन दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, सबको पता है बाल गंगाधर तिलक, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया, तिलक ने। ऐसे कई नारे हैं जैसे साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय, इस टाइप से कई सारे स्लोगन हैं जो कि दिए गए हैं अपने महान नेताओं के द्वारा, तो वो हमको याद करने हैं, उनके भी स्लोगन के भी वीडियो मैं बना के डालूंगा जो आप देख पाएंगे, जल्द ही मैं उसको अपलोड करूंगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसका हो गया, बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक की गई थी वो क्या थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, क्या थी, या फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, पहली भूख हड़ताल थी ये अहमदाबाद की, मिल स्ट्राइक जो थी वहां के कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ ये किया था, तो फर्स्ट हंगर। इसका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कहां पे और कब किया गया, तो ये किया गया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को याद होना चाहिए, अगर पूछा कि हंगर स्ट्राइक कहां पे पहली बार हुआ था, तो अहमदाबाद, और अहमदाबाद मिल में जो स्ट्राइक हुआ था तो वो कौन सा था, तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है। इस स्लाइड में, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इनमें से रेलवे में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें ताकि आपको ये पूरे आंसर याद हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लाहौर सेशन था, लाहौर अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, और जिस समय जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मतलब किया गया था, तो जो लाहौर अधिवेशन था वो किया गया था आपका 1929 में, तो ये आपको डेट याद रखनी, लाहौर अधिवेशन 1929 में, बहुत ही आईएमपी डेट है, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन। अगला देखते हैं, INC जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये स्प्लिट हो गया किस सेशन के दौरान, किस सेशन के दौरान, सूरत में। तो जैसा सबको पता है कि सूरत का जो अधिवेशन है 1907 का अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन 1907 था, इसमें ये दो भागों में विभाजित हो गए थे या दो भागों में टूट गए थे, और जो 1905 है, 1905 में आपको पता है मुस्लिम लीग बनी थी, 1905 में आपकी मुस्लिम लीग बन गई थी, तो इससे ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अगला देखते हैं, अब जो
5 मार्च 1931 था, 5 मार्च 1931। उस समय जो इरविन और गांधी जी के बीच में कुछ बातचीत हुई थी, कुछ समझौते हुए थे, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज के दौरान, यह हम सबको पता है। क्वेश्चन आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वो समझौता हुआ था उसको और किस नाम से जाने जाते हैं, दिल्ली पैक्ट, कराची पैक्ट, महाराष्ट्र पैक्ट या कोलकाता पैक्ट? तो इसको जाना जाता है दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है गांधी इरविन समझौता को। MI से याद कर लीजिए आप इसको, या MID से याद कर लीजिए, मेड, महात्मा गांधी इरविन, और ये डी से हो जाएगा दिल्ली, तो दिल्ली पैक्ट। तो महात्मा गांधी और इरविन समझौता जो हुआ था उसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका दिल्ली पैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो फर्स्ट जो गांधी जी थे उनके अंडर में जो पॉलिटिकल मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, वो नागपुर में कब हुआ था? वो आपका नागपुर में कब हुआ था? तो नागपुर में वो हुआ था आपका 1920 में, 1920 में आपका नागपुर में हुआ था ये क्या बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिलक स्वराज फंड, एक तिलक स्वराज फंड था, तिलक स्वराज फंड था, वो जो है स्टार्ट किया गया था किसको फाइनेंस करने के लिए, मतलब तिलक स्वराज फंड जो है फाइनेंसिंग किसको देता था? तो वो देता था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन था उसके लिए ये फंड दिया जाता था, तिलक स्वराज फंड से दिया जाता था। अब देखते हैं जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था तो वो आपका कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 7 अगस्त 1905 को, ये डेट आपको याद रखनी है, डेट के साथ आपको याद रखनी है कि 7 अगस्त 1905 को हुआ था एंटी पार्टीशन मूवमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं इसको, फेसबुक, और भी मैं वीडियो हिस्ट्री के अपलोड करूँगा जल्द ही, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएँ। थैंक यू।